तो जब आप उस परम तत्व का अनुभव करोगे, तो मन का जो खेल है, इस मन का जो खेल है वो बदलने लगेगा। आप ये समझो, इस शरीर में कहीं भी कुछ भी हो जाए, जितनी भी दवाइयाँ ग्रहण की जाएंगी, अगर आपके सिर में दर्द होगा तो भी दवाइयाँ आप मुंह से ही लोगे, अगर आपके हाथ में दर्द होगा तो भी दवाई मुंह से ही लोगे, पैर में दर्द होगा तो भी दवाई मुंह से ही लोगे या पैर से ले लोगे आप दवाइयाँ, अगर आपके हार्ट में दर्द होगा तो भी दवाई मुंह से ही लोगे, कान में दर्द होगा तो भी दवाई मुंह से ही लोगे, लेकिन वो दवाइयाँ शरीर के ऊपर असर करती हैं, जिस कार्य के लिए वो ली गई वही असर करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार से ये सुख दुख, अच्छाई बुराई, राग द्वेष, जितने भी रोग हैं, ये मन की दवाई से सब के सब रोग शांत हो जाएंगे। 99.99% लोग एक बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये जो हम परेशान हैं, ये हम मन के कारण से हैं। सबको यही लगता है कि मैं भाई से परेशान हूँ, मैं पत्नी से परेशान हूँ, मैं रिश्तेदारों से परेशान हूँ, मैं पड़ोसियों से परेशान हूँ, मैं गाय से परेशान हूँ, मैं भैंस से परेशान हूँ, मैं गाड़ी से परेशान हूँ। किसी के नज़दीक आने से परेशानी होती है, किसी के दूर जाने से परेशानी होती है, शत्रु जब पास आता है तब परेशानी होती है, अपना कोई नज़दीक का जब दूर जाता है तब परेशानी होती है। तो ये परेशानियाँ कहाँ होती हैं? ये सब की सब परेशानियाँ मन के अंदर होती हैं, दूसरी जगह कहीं नहीं होती। सब की सब परेशानियाँ एक मन के अंदर ही होती हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते। अगर हम किसी को खांसी हो जाए, खुजली हो जाए या और कुछ हो जाए, तो ये सब कुछ ना तो वो खुजलाने से ठीक होगी, ना खांसने से ठीक होगी, ना अगर आप ज़बरदस्ती खुजली ना करो, खांसो नहीं, तो भी वो ठीक नहीं होगी, वो ठीक होगी दवाई से। तो उसी प्रकार से ये मन ठीक होगा दवाई से, साधना से, और साधना के बिना अगर आप सोचो बाहरी वस्तुओं से ये मन ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बाहरी वस्तुओं से जब शरीर ठीक नहीं होता, आप कितना भी मेकअप कीजिए शरीर के ऊपर, कितना भी लीपा पोती कीजिए, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद वो चली जाएगी, उतर जाएगी और आप वैसे ही हो जाएंगे। उसी प्रकार से बाहर से पात्र को कितना भी रगड़ रगड़ करके साफ करें, जब तक वो अंदर से साफ नहीं होगा तब तक वो अंदर से शुद्ध और पवित्र नहीं होगा। उसी प्रकार से ये मन है। हम मन को, आज ही की बात है, हम बैठे हुए थे, हमारी बातें हो रही थी, आया हुआ था एक लड़का, उन्होंने कहा हम तो परिक्रमा दे करके आए हैं। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ब्रज में गए थे, गोवर्धन की परिक्रमा करके आए हैं। मैंने कहा कैसा लगा? उन्होंने कहा बस जी पूछो मत। आखिर के जब 3 किलोमीटर बचे थे ना, पैरों की वो हालत हो गई,
एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैंने तो सोचा जो मुझे ले करके आया है वो रिक्शा के अंदर बैठने की कोशिश कर रहा है कि मैं रिक्शा में बैठ जाऊँ, आधी हो गई आधी अगली बार कर लेंगे। तो मैंने उसको रिक्शा के अंदर नहीं बैठने दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? कि जी ऐसा इसलिए कि वही तो लेके गया था, उसी के कारण से तो हम परेशान हुए थे। तो आप विचार करो कि आप परिक्रमा लगा रहे हो और क्या चल रहा है मन के अंदर। मैंने कहा और क्या क्या सोचा, क्या मन शांत था? उन्होंने कहा नहीं था। तो जवाब ये उसके नहीं है, ये आप सब लोगों के हैं। कुछ लोग दबा लेते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं तो पवित्र हूँ, मेरा मन रुका हुआ है, मेरे विचारों के ऊपर कंट्रोल है और मैं मन के ऊपर पकड़ बना करके रखा हूँ, तो ये महसूस नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं कुछ अलग हुई संसार से। अरे अलग तो परमात्मा ने इस संसार में किसी को बनाया ही नहीं, तो आप अलग निकल करके कहाँ बैठोगे? और अलग से निकल करके आपको कोई 10 इंद्रियों के अलावा 15 इंद्रियां हैं क्या? एक मन के अलावा कई मन हैं क्या? एक बुद्धि के अलावा कई बुद्धियां हैं क्या? या और शरीर में कुछ डाल दिया उस परमात्मा ने, या एक आत्मा की जगह 8-10 आत्माएं घुसा दी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। बस ये दौड़ है अपने को श्रेष्ठ दिखाने की, भागम भाग है। क्योंकि लोग अभी आने वाले श्राद्ध हैं, लोग इनके पीछे भागेंगे कि हम अपने पूर्वजों को दे करके उन्हें संतुष्ट कर देंगे। आपको पता है आपके पूर्वज किस योनि के अंदर होंगे, कहाँ उनकी गति हो गई होगी, कहाँ उन्होंने जन्म ले लिया होगा? आपको एहसास भी है इस चीज़ का कि कब, क्या पता 200-400 साल पहले वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। महिलाएं बोलती हैं मेरी सासू ऐसे ही करती मिली थी, मैं बोलता हूँ तेरी सासू को लेके आना, वो लेके आती है। वो बोलती जी मेरी सासू भी मुझे ऐसे ही करते मिली थी, मैं बोला तेरी सासू जी रही है चली गई? कि जी जी रही है, बस टाइम कट रहा, सांस चल रहा है। मैंने कहा एक बार तो लेके आना उनको, मुझे पूछना है ये रिवाज उन्होंने कहाँ मिली। उन्होंने बोला जी इनकी दादी है ना वो भी ऐसे ही करती थी, तो वो करते 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 हम कहाँ पहुँच गए और कहाँ साधना हुई।